हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मियों को निकाले जाने के मुद्दों को लेकर वॉकआउट कर दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। कहा कि 5 साल जब बीजेपी सत्ता में थी तब ये याद नहीं आया। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और ध्यान भटकाने के लिए वॉकआउट कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के सूरत में राहुल गांधी के साथ जाने पर उठाए सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस नेता देश की सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी इस पार्टी के नेता हैं और जब परिवार में कोई बात होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते वे राहुल गांधी के साथ सूरत गए थे और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। साथ ही नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी इसको लेकर मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल में नशे का कारोबार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट्स में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज़ को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था और हमें आगे भी जब जब उनके हमारी ज़रूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूँ, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन का अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए हमने उस संकल्प लाया है और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूंगा। मीटिंग कर चुके हैं और रिहैबिलिटेशन डिएडक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं, अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।